रेक्टेंगुलर को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल साइड। अगर आपको ए डैश को रिप्रेजेंट कराना है तो ए इसके अंदर ये एक साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है और डैश मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट, ए को छोड़ के बाहर का सारा, ठीक है ओके। अगर मान लो ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कराना है तो यूनिवर्सल सेट में ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का कॉमन आएगा, यानी ये वाला पोर्शन, ठीक है। अगर आपको ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कराना है तो बोलो क्या हुआ, ए वाला भी बी वाला भी कॉमन नहीं, पूरा पूरा ए यूनियन बी, ठीक है। अगर मान लो ए माइनस बी दिखाना है, इस पे जरा ध्यान देना, ए माइनस बी दिखाना है, ए माइनस बी का मतलब ए में से वो पोर्शन माइनस कर दो या हटा दो जो बी में पड़ रहा है। अब कुछ बच्चों के डाउट होता है ए में से बी कैसे माइनस होता है, बी तो पूरा ए के अंदर आ ही नहीं रहा, कोई बात नहीं पूरा नहीं, जितना पोर्शन बी का ए के अंदर आ रहा है वो माइनस करना है। तो ए माइनस बी का मतलब होता है ये वाला पोर्शन, इसका मतलब एक और तरीके से ए माइनस बी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी इज ऑल्सो इक्वल टू ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली अगर आपको बी माइनस ए रिप्रेजेंट कराना है तो क्या हुआ, बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, बी में से ए माइनस करना तो बी में से दोनों का कॉमन हट जाएगा, ओके अच्छा। अब कई बार ऐसा होता है जो आपको शेड करने में दिक्कत आएगी, समझ नहीं आया अभी तक का सारा समझ में आ रहा था क्या कह रहा है, क्या शेड करना सब क्लियर पता चल रहा था। ये बार ऐसा होता जब नहीं समझ में आता, जैसे आपको ये अगर मैं बोलूं कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बताओ वेन डायग्राम में, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी हमें पता है, ए यूनियन बी अभी बताया था, इसका कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी वाला एरिया आप हटा दीजिए वो पूरा शेड होगा, ठीक है। अगर मैं कहता कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बताओ तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, होगी, ए इंटरसेक्शन बी ये पोर्शन छोड़ करके पूरा सारा शेड होगा, ये भी होगा, फिर कौन सा पोर्शन हटाया ये बीच वाला, ठीक है। अब ये मैंने सारा क्यों बताया, आप सेट जितने प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले सेट थ्योरी से निकले, जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू आप बोलते हो पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी, ये सेट का फॉर्मूला था, उसमें एन की जगह पी लगा दिया गया, नंबर ऑफ ए इलेवेंथ का पहला चैप्टर, चाय पीने वाले इतने हैं, कॉफी पीने वाले इतने हैं, बताओ दोनों पीने वाले कितने हैं, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता था एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वही से बनता है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा प्रोबेबिलिटी आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे होगा, तो वेन डायग्राम उसका अगर याद आ गया तो हो जाएगा, वेन डायग्राम में प्रोबेबिलिटी लगा दो आपका आंसर आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनिवर्सल सेट इज वन, यूनिवर्सल सेट की प्रोबेबिलिटी होती है वन, ठीक है। तो जैसे आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती तो पहले इसका मतलब क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ यूनिवर्सल सेट, इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब हुआ यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी, ठीक है, यानी इससे एक फॉर्मूला बन गया, इसके कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट में से सारा सेट हुआ है एक्सेप्ट ए यूनियन बी, इसका मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट का सारा पोर्शन सेट हुआ है माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इससे फॉर्मूले बन गए, अगर कभी आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़े तो ये बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन बी, पी लग गया और प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनिवर्सल सेट इज वन,
वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी करोगे तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ जाएगा। अगर कभी आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने को आ जाए तो इसका मतलब ये इसके बराबर होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यू माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और कई बार तो समझ ही नहीं आया ये क्या कह रहा है, तो उसके लिए होता है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ दो होते हैं, अगर हो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश तो ये इक्वल टू होता है ए यूनियन बी डैश, ठीक है, पहला लॉ। दूसरा होता है ए डैश यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए यूनियन, हाँ यूनियन होगा तो इंटरसेक्शन डैश कॉम्प्लीमेंट पूरे पर लगेगा। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, अगला क्वेश्चन ये पूरी जो मैंने भूमिका बनाई वो अगले क्वेश्चन के लिए बनाई जो मैं कराने जाऊंगा, और वो सारा आप देखो यहाँ पे आराम से मेट रहा हूँ, यहाँ पे फाइनल कर रहा हूँ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है ये क्वेश्चन में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, ए डैश को नॉट ए भी बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी, ना ए हो ना बी हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी इसकी प्रोबेबिलिटी। अब इसका तो नहीं समझ में आ रहा था हमें, पर ये डी मॉर्गन्स लॉ की वजह से ये बराबर होता है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब वन माइनस, किसी का भी कॉम्प्लीमेंट हो वन में से माइनस करना होगा। अभी बताया कॉम्प्लीमेंट का होता है यूनिवर्सल सेट से माइनस करोगे और यूनिवर्सल सेट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वन, तो किसी प्रोबेबिलिटी किसी भी के भी कॉम्प्लीमेंट की निकालनी है तो वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश या नॉट बी, बी डैश बोले या नॉट बी बोले एक ही बात, ठीक है। अगर कहीं लिखा होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश या बोला हो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, इसका मतलब होगा वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए,